हेलो एवरीवन वेलकम टू टेस्ट सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स कैसे हो आप सब लोग जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आज का सेशन लाइव है बट हम पूरा सेशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट वेल बट विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज न्यूज वी कैन इन टूडे सेशन ओके सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल मैं लेक्चर की शुरुआत कर देता हूँ डायरेक्टली हम न्यूज़ के तरफ ही जाएंगे और न्यूज़ के ऊपर ही बात करेंगे जितना हो सकता है उतना कवर करने की मैं कोशिश करता हूं आज के सेशन के अंदर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जी हाँ दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से इस चैनल को फॉलो कर दीजिएगा जहाँ से आपको आने वाले टाइम पर सारे सेशनस की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी ठीक है मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ न्यूज़ के साथ आज मिक्स है मोस्टली कुछ पार्ट ऐसे या कुछ न्यूज़ ऐसी जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे तो उसी का कंटिन्यूएशन है जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सबसे पहला न्यूज है जयशंकर सर को एट द ट्वेल्थ गंगा कोऑपरेशन मीट इन बैंकॉक नाउ द क्वेश्चन विल बी आस्ट रिगार्डिंग दी गंगा कोऑपरेशन की ये exactly एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं तो पहले गंगा की बात कर लेते हैं गंगा इंडियन रिवर है अबाउट इज अ रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया तो ये रिवर म्यांमार लाहौस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम इवन चाइना के अंदर भी रिवर है सो देर इज अ ग्रुप जो रिवर्स के नाम पे बना हुआ है कॉल एज अ मेकोंग गंगा सो मेकोंग इज अ रिवर इन वियतनाम थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस एंड गंगा इज ए इंडियन रिवर तो रिवर्स के नाम पे एक ग्रुप को क्रिएट किया गया है और ये ग्रुप 2000 ईयर 2000 में क्रिएट किया गया वियतनाम के अंदर तो इस ग्रुप के अंदर बेसिकली चार पॉइंट्स के ऊपर बातचीत होती है कल्चर एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेकोंग गंगा को लेके क्वेश्चन तो आता ही है कि मेकोंग ये रिवर के बाद कौन से कौन से कंट्रीज में आती है इस ग्रुप में कितनी कंट्रीज है आ, इंडिया के अलावा वियतनाम थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस 2000 में कंसर्ट बना ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली exactly इसमें किस चीज़ का डिस्कशन होता है अभी इसका मीटिंग है और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बैंकॉक गए हुए हैं हमारे जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बाकी तो इनफ रहेगा बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रायलैट्रल हाईवे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये हाईवे रेडी है सो इंडिया से लेके म्यांमार से लेकर ये डायरेक्टली रोड रहेगा इसे एशियन हाईवे भी हम लोग कहते हैं जिसकी भी बातचीत पे की गई बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म ये यहाँ के है, तो इसीलिए आपके एग्जाम में पे क्वेश्चन बन सकता है बाकी तो इनफ रहेगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस याद रखेगा रिवर्स को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है चलो आगे बढ़ते हैं इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट टू कमेंस एट द उलन बतार मंगोलिया ये कैपिटल हो गया मंगोलिया का जल्दी से मुझे मंगोलिया का करेंसी बता दीजिएगा एक और एक्सरसाइज है मंगोलिया की बड़ी फेमस एक्सरसाइज है आपको शायद याद होगा खान क्वेस्ट नाम की एक एक्सरसाइज है सो खान क्वेस्ट मंगोलिया यूएस के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करती है और इंडियन मिलिट्री ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है सो नोमैडिक एलिफेंट ये तो इंडिया आ, मंगोलिया की बायोलेटरल एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है अलोंग विद मंगोलिया अलोंग विदूस यूएसए सो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा

अदानी ग्रुप इंडिया फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसनेशनल इंडिया और बांग्लादेश के बीच का ये पावर प्रोजेक्ट है और जिसे अदानी इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे पूछ सकते हैं कि ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट इज एग्जैक्टली बाय एक्जैक्टली ग्रुप और ये ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे है तो दिस प्रोजेक्ट इज इन गोड़ा गोड़ा के अंदर है झारखंड के सो so से इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड की जाएगी वो बांग्लादेश को सेल की जाएगी बाकी ज्यादा कुछ नहीं बस इतना एक पॉइंट याद रखे ये ट्रांसनेशनल थर्मल पावर प्लांट एग्जैक्टली कहां पे है इसके अंदर हम वी आर क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिसिटी अदानी इंडस्ट्रीज इज क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड सेलिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी

गाइज uh, uh, जितना हो सकता है उतना मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली के काफ़ी बुखार है बट ये लेक्चर कैंसिल नहीं होना चाहिए इसलिए इसे कवर कर रहे हैं तो शायद अगर बीच में रुकने की जरूरत पड़ी तो मैं रुक जाऊंगा नोट्स डेफिनेटली आई विल सेंड यू द नोट्स श्री सर्वानंद सोनवाल सब लॉन्च कर्टन रेजर ऑफ ग्लोबल मराटाइम इंडिया समिट ग्लोबल मराटाइम इंडिया समिट का कर्टन रेजर। कर्टन रेजर रेजर का मतलब है कि ये समिट अभी नहीं हो रही है द समिट विल बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पर इसको बारे में जानकारी अभी से दी दी जा रही है तो आज इसके बारे में जानकारी दी जाएगी मुंबई में अब ध्यान दीजिए ग्लोबल मराटाइम इंडिया समिट 2023 सो विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है दैट इज

अब अनुमानों के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा बट वेन विल बी दिस कॉन्फ्रेंस मुंबई ये पॉइंट याद रखेगा दूसरा इसका थीम कनेक्ट कोलैबोरेट एंड क्रिएट ये इसका थीम रखा गया है तो इसी के अराउंड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं जी बिमस्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग स्टार्ट्स इन बैंकॉक अभी इंडिया नेपाल भूतान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड श्रीलंका यह कंट्रीज आती है एंड बांग्लादेश में ढाका में इसका हेडक्वार्टर है ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिमस्टेक का फुल फॉर्म भी स्पेशली न्यू स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लीजिएगा अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन ये इसका फुल फॉर्म है इसके अराउंड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अभी जो क्वेश्चन पूछना है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग कहां पे हुआ बैंकॉक थाईलैंड दैट्स इट इतना पढ़ना आपको बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा सो वी टॉक्ट अबाउट गंगा मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड दर इज अ अमस्टिक सो दोनों uh, की मीटिंग्स के बारे में यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने शिरकत की है या बाकी इनफ रहेगा गवर्नमेंट एम आई डी सी लॉन्च पीएम मित्रा पार्क अमरावती पीएम मित्रा की बात करते हैं कौड़ा जब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल 2021 में इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई और सात आ, मित्रा पार्क क्रिएट किए जाएंगे विद टोटल आउटले ऑफ ट्रिपल फोर फाइव है, है कितना, आ, कितने पार्क जाएंगे, कितना किया गया है दूसरा मोदी साहब ने फाइव एफ वाला कंसेप्ट में फाइव एफ का मतलब है फार्म टू फाइबर फाइबर टू फैक्ट्री फैक्ट्री टू फैशन फैशन टू फॉरन सो फाइव एफ इज अनादर देन थ्री एंड ये पांच जीरो से अगर मित्रा क्रिएट करना है तो पांच सौ करोड़ का सपोर्ट इन कंपनियों को दिया जाएगा और अगर कंपनी एग्जिस्टिंग है और उनको थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे तो दो सौ करोड़ का सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा याद रखना ब्राउनफील्ड के लिए दो सौ करोड़ है ग्रीनफील्ड कंपनी होगी तो 500 सौ करोड़ टोटल बजट एलोकेशन इज ओवर हियर तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं अब एक बार स्टेट्स की बात कर देते हैं स्टेट्स के अंदर कौन कौन आता है सो मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटका देन तमिलनाडु तेलंगाना महाराष्ट्र जिसके बारे में अभी बात की गई एंड उत्तर प्रदेश सो so, महाराष्ट्र अमरावती महाराष्ट्र के अंदर अमरावती नाम का एक प्लेस है सो so, गोयल साहब जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है उनके द्वारा उसे इनोग्रेट किया गया तो ध्यान रखिए ये महाराष्ट्र का न्यूज था आ, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट है पीएम मित्रा की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होगी सात जगहों पर इसे क्रिएट कर रहे हैं और सिटीज के भी नाम यहाँ पे मैंशन किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है टोटल बजट एंड बजट फॉर ग्रीन फील्ड एज वेल एज ब्राउन फील्ड कंपनीज ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा वहां पे काफी सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकते हैं दैट विल बी इनफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज महाराष्ट्र की बात करेंगे तो एक शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के और रमेश बैस सर गवर्नर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के आगे बढ़ते विल टॉक अबाउट नीति आयोग नीति आयोग की दो बड़ी न्यूज हमें कवर करनी है एक न्यूज के ऊपर we'll अगर आपको याद होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये किसके द्वारा दिया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द सेकंड अथॉरिटी वाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन दोनों के द्वारा एमपीआई की बात की गई थी दैट इज़ कॉल्ड एज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या चेक करते हैं हेल्थ की बात होती है एजुकेशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हेल्थ के अंदर माल नरिशमेंट की बात की जाती है माल uh, नरिशमेंट का एक्सटेंड कितना है ये डिस्कस यहाँ पे किया जाता है एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन लेवल एंड एनरोलमेंट लेवल ये दो बात होती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आपका घर कैसा है ड्रिंकिंग वाटर कैसा है बिजली आ रही कि नहीं आ रही है कुकिंग फ्यूल कैसा है एसिड्स कितने हैं ये सारी चीज़ें चेक की जाती है तो ये डेटा वैसे एम पी दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा दिया जाता है इसी डेटा के ऊपर नीति आयोग का यह कहना है कि थर्टी

नाउ पंद्रह सोलह से लेके उन्नीस इक्कीस तक की बात करेंगे तो बिहार झारखंड मेघालय यूपी टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यहां पर पॉवर्टी का यहां से का, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है अब ऑब्वियसली जिन स्टेट्स में पॉवर्टी ज्यादा है वहीं से रिजल्ट अच्छा मिलेगा अब जिन स्टेट में पॉवर्टी कम है वहां पे शायद आपको इतना नंबर नहीं दिखाई देगा या इतना रिजल्ट नहीं दिखाई देगा तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि जिन स्टेट्स में पॉवर्टी ज्यादा जिन स्टेट में पॉपुलेशन और पॉवर्टी का कंसेप्ट ज्यादा है वहां पे आपको रिजल्ट बकायदा अच्छा दिखने वाला है सो बिहार झारखंड मेघालय सन uh, पी एम मोदी सर चेयरपर्सन है एंड बी वी आर सुब्रमण्यम सर फिलहाल सी ओ है इस अथॉरिटी के ओके okay, बाकी तो इनफ रहेगा एग्जाम के लिए ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी द डेटा विच इज गिवन बाई एम पी आई इज की फोर वन फाइव मिलियन फोर वन फाइव मिलियन लोग हैं जो पॉवर्टी से बाहर निकले यह डेटा दिया गया था बाय दी द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच इज प्रेजेंटेड बाय यू एन डी पी एंड दूनिवर्सिटी एक और रिपोर्ट है जिसके ऊपर हमारी बात हुई थी वैसे रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ था पर रिपोर्ट में क्या क्या चेक करेंगे यह बात हमने डिस्कस की थी दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स और यहां पे सबसे टॉप मोस्ट स्टेट इज तमिलनाडु उसके बाद महाराष्ट्र फिर कर्नाटका और फिर गुजरात लास्ट दो जो रिपोर्ट आए थे एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस के उसमें गुजरात सबसे टॉप में था लास्ट दो रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अंदर गुजरात एकदम पीछे आ गया तो सबसे टॉप मोस्ट स्टेट पीस तमिलनाडु महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर ही है भी सेकंड नंबर पे था, अभी भी सेकंड नंबर पे ही है एंड उसके बाद कर्नाटका और फिर गुजरात की बात होती है ध्यान रखेगा क्वेश्चन सिंपल आएगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स इज गिवन बाय विच अथॉरिटी नीति आयोग कौन सा स्टेट सबसे टॉप में है मीन एक्सपोर्ट रेडीनेस uh, में कौन सा स्टेट सबसे टॉप में तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट मेंशन किए थे चार पिलर्स है यहाँ पे भी फोर पिलर्स पॉलिसी पिलर बिजनेस इकोसिस्टम एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन बेसिस पे स्टेट को कैलकुलेट किया जाता है और मोस्टली उन स्टेट्स को जो जो स्टेट्स जहाँ पे वाटर बाउंड्री है जहां पे बड़े बड़े पोर्ट्स है उन्हीं स्टेट्स की यहाँ पे नॉर्मली बात की जाएगी ध्यान रखिएगा आपके स्टेट की पॉलिसी कैसी है बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है एक्सपोर्ट के लिए कितना फेवरेबल है और एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस आपका कैसा है सो so, लास्ट दो बार से गुजरात दट वॉज द टॉप यहां पे तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात हरियाणा यहां पे आ रहा है हरियाणा का परफॉर्मेंस बड़ा बेहतरीन रहेगा बिकॉज ये लैंडलॉक स्टेट है अगल बगल में कोई समुंदर नहीं स्टिल एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस में टॉप फाइव में आना यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो ये पॉइंट यहां पे याद रखेगा बाकी तो इनफ है एग्जाम के लिए जिया नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सी, -सी सहारा रिफंड पोर्टल अब देखिए सहारा का एक स्कैम हुआ था बड़ा फेमस स्कैम है सहारा है सहारा साहब ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट करके लोगों से पैसे लिए और पैसा वापस ही नहीं किया तो सेबी ने कहा था कि वी नीड टू क्रिएट अ फंड जिसके थ्रू हम पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने एक फंड क्रिएट किया है फंड का नाम है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहारा फंड अब इसके थ्रो क्या होगा कि जो सहारा से भी रिफंड अकाउंट है जिनके पैसे रिफंड करना है, जिनको पैसा प्रोवाइड करना है उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा बाय दिस पोर्टल याद रखिएगा ये बड़ा अलग न्यूज है दिस न्यूज इज कंप्लीटली डिफरेंट सहारा का स्कैम हुआ था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज उन लोगों ने बनाए थे लोगों से पैसे लिए थे एंड बता दिया कि सोसाइटीज बंद हो गई अब जिस कंपनीज ने सोसाइटीज बनाई थी सहारा के अंदर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी कंपनीज थी इसलिए सेबी का यहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गया था तो इसीलिए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट क्रिएट किया जाए ऐसा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया तो उसी के अराउंड ये पोर्टल क्रिएट किया गया है बाय कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री एंड कॉपरेटिव मिनिस्ट्रीडेड बाई अमित शाह एक और चीज जो आपके लिए बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीआरसीएस जो कॉपरेटिव हम लोग बात करें कॉपरेटिव रजिस्ट्री इट इज अंस्टिट्यूशनल अथॉरिटी इसकी अगर बात की जाए तो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री जेड एच इसके अंदर ये authority काम करती है, name CRCS. है, CRCS है ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी का इस अथॉरिटी के अंदर इसे बनाता है तो सुब्रोतराय सहारा का जो स्कैम हुआ था, उस स्कैम के अंडर रिफंड करने के लिए इसे क्रिएट किया गया है That's it. बाकी तो enough रहेगा, यूएस <coughs> ंडर वन जीरो फाइव एंटिक्स टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट अब इस न्यूज में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली बात तो करनी थी मुझे बट नाउ आई एम नॉट इन दैटीशन टू डिस्कस मच इन डिटेल तो डिरेक्टली बात कर लेते एक जो यूएस से इंडिया आएंगे अब बहुत बार क्या होता है कि पुराने जमाने में कुछ लोग इंडिया से एंटिक्स लेके गए कुछ लोग चोरी करके एंटिक्स लेके गए कुछ लोग बाकायदा लीगली बिफोर इंडिपेंडेंस एंटिक्स लेके गए तो उनको इंडिया में वापस लाने के लिए कंसेप्ट यहाँ पे है याद रखेगा वन जीरो फाइव एंटिक्स यहाँ पे बात हो रही है इसके पहले यूएस गवर्नमेंट ने 157 एंटिक्स इंडिया को दिए 2022 में मींस लास्ट ईयर यूएस प्रोवाइडेड 157 एंटिक्स बैक टू इंडिया अब 105 एंटिक्स की बात हो रही है हमारे पास कल्चर मिनिस्ट्री है और कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर ही इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा बस दो पॉइंट याद रखिए अभी कितना एंटिक्स uh, की बात हुई है और 2022 में कितने एंटिक्स इंडिया में आए थे दैट विल बी इनफ

आ, हर दो साल बाद वन फ वन थर्ड मेंबर्स जो आ, जिनका टेन्यर ख़त्म होता है उनके लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे एक और बात ध्यान रखिएगा <clears throat> राज्यसभा की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूस हाउस तो जो हमारे वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो हमारे ही इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं सो so, राज्यसभा में स्पीकर ये कंडीशन नहीं है राज्यसभा में चेयरपर्सन ये कंडीशन है सो so, हमारे जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है ही इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जी अशोक लेलैंड बैग्स एट हंड्रेड करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंडियन आर्मी सिंपल है अशोक लेलैंड ले 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 ये कंपनी किस फैमिली के इंडस्ट्रीज ग्रुप के अंदर आती है कोई बताएगा मुझे ये जो अशोक लेलैंड ले ले नाम की कंपनी है ट्रक्स बनाती है ये कंपनी कौन से बिजनेस फैमिली ग्रुप के अंदर आती है ये वो ग्रुप है जिनके पास इंडसन बैंक भी है वो इंडसन बैंक के भी ओनर है अशोक लेलैंड ले ले के भी ओनर है जी हाँ हिंदुजा ब्रदर्स एब्सोल्युटली राइट सो 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन आर्मी के साथ एफ ए टी दैट इज कॉल्ड एज फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स एफएटी उसका नाम है एफएटी एटी फोर इंटू फोर इसके लिए या एग्रीमेंट साइन है इसके अलावा गन टॉवरिंग व्हीकल्स जिसको जीटीवी कहते हैं गन टॉवरिंग व्हीकल्स सिक्स इंटू सिक्स सो यहाँ पे भी एग्रीमेंट साइन हुआ है सो ध्यान दीजिए फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर एंड द गन टॉवरिंग व्हीकल जिनकी बात हुई आठ करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है विद द इंडियन आर्मी दैट्स इट आगे बढ़ते हैं हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर हरेला फेस्टिवल की शुरुआत हुई है अभी जैसे सावन आ जाता है मॉनसून सीजन आता है तो कई सारे स्टेट्स के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आते हैं ध्यान देखिए पुष्कर सिंह धामी सर जो उत्तराखंड के सीएम है उनके द्वारा

ओमन चांडी साहब ये कांग्रेस के सीएम रह चुके हैं पिनरई विजन साहब के पहले पहले ही वाज़ द चीफ मिनिस्टर उनका अभी अभी कुछ देर पहले देहांत हो गया तो याद रखिएगा ओमन चांडी साहब के लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं बिकॉज वो केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सो क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे और प्लस केरला का ये फेस्टिवल आपके सामने कॉलेज कार्की डाका वावू बाली सेरेमनी ठीक है बाकी तो मैं आगे जाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते एक और फेस्टिवल है सॉरी एनुअल बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हैदराबाद ये हैदराबाद का फेस्टिवल है कॉल्ड एज बोनालू ओके अगेन मैंने पहले कहा था आपको कि आ, सावन जब स्टार्ट होता है या फिर मानसून जब स्टार्ट होता है सो मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे एग्जाम के लिए क्या सीन है हमारे एग्जाम के अंदर कभी ना कभी एक क्वेश्चन बन जाता है फेस्टिवल्स को लेके स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फेस्टिवल को लेके कई बार क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे तीन फेस्टिवल है उत्तराखंड केरला एंड वी टॉक्ट अबाउट द फेस्टिवल ऑफ हैदराबाद ओवर यर कॉलेज ऑफ बोनालू फेस्टिवल ऑथर एंड स्पिरिचुअल कोच सारिका भारद्वाज लॉन्च हर फूल्स जर्नी बुक अ फुल जर्नी नाम की बुक है सारी का भारत वेरी फेमस कोच स्पिरिचुअल कोच है के माइंड uh, कामनेस और बाकी चीजों पर गाइड करते हैं इनका बुक है अगेन ज्यादा uh, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ये कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट अ कामनेस शुड बी क्रिएटेड सो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर इनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसीलिए क्वेश्चन कैन बी आस्क ओवर हियर नोटेड मंगला एज ऑफ एटी मंगला नारोकर वेरी फेमस इनके हस्बैंड जयंत नारिकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट पद्म विभूषण अवॉर्ड वेरी फेमस जयंत नारविकर साहब ने एस्ट्रोफिजिक्स में जो रिसर्च किया वो किसी ने और नहीं किया इंडिया में सो हीज अ

वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो है इंडिया के और बड़े फेमस फिजिसिस्ट है उन्हीं की वाइफ शी इज ऑल्सो वेरी फेमस शी शिव ऑल्सो वेरी फेमस मैथमेटिशियन जी हा शूटिंग सनियाम शुभम बिस्ला स्ट्राइक गोल्ड इन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करेंगे और ये चैंपियनशिप फिलहाल पेरू के अंदर चल रही है एंड इंडिया की बात करें तो 17 गोल्ड्स इंडिया को यहां पे मिले हैं इंडिया इन चैंपियनशिप के अंदर आजकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्पेशली आचरी की बात करेंगे शूटिंग की बात करेंगे जो जूनियर टीम है हमारी दे आर रियली परफॉर्मिंग वेल तो उसी का ये एग्जाम्पल है लास्ट टाइम आयरलैंड की बात की थी

फ्रेंच ओपन विंबलडन और फिर यूएस ओपन की बात होती है इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इनके द्वारा जीता गया सो इज द हाइएस्ट ग्रैंड स्लैम विनर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस अब uh,

हम रियलिटी को भूल जाते महिलाओं तो के कैटेगरी महिलाओ में विंबलडन में किससे जीत हासिल हुई है तो जेक रिपब्लिक की मार्केटा वॉन्डर वॉन्डोर सोवा अब इनकी खासियत क्या है देखिए जब भी कोई प्लेयर आ, पार्टिसिपेट करता है ना ग्रैंड स्लैम्स के अंदर तो उसका रैंकिंग आता है उस ग्रैंड स्लैम का रैंकिंग आता है। ओवरऑल रैंकिंग छोड़ दीजिए उस ग्रैंड स्लैम के अंदर रैंकिंग आता है कि टॉप सीडेड सेकंड सीडेड थर्ड सीडेड इनको कोई रैंकिंग ही नहीं मिली

एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया फिनिशेस थर्ड बिहाइंड चाइना जपान विद्वेंटी सेवन मेडल्स आपको याद होगा यह चैंपियनशिप के अंदर हमने बात की थी कि दिस चैंपियनशिप वॉज ऑर्गनाइज इन थाईलैंड और यहां पर हनुमान जी मैस्कॉट के तौर पर थे सो इंडिया गॉट द सिक्स गोल्ड मेडल्स सिल्वर एंड नौ हमें मिले हुए हैं जापान यहाँ पे सबसे आगे है सोलह मेडल्स के साथ याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में ये बनेगा कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई एंड इंडिया गॉट हाउ मेनी मेडल्स इंडिया के जो छह गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन छओ के नाम यहाँ पे मेंशन किए ज्योति जो, अराजी अब्दुल्ला बाकर, देन परुल चौधरी, अजय कुमार सरोज, सिंह, तूर एंड हमारी गोल्ड है, के इसे किया गया था। uh, एक और न्यूज है मैक्सिको डाउंस पनामा विंस क्या कैफ के क्राउन अभी एग्जैक्टली exactly इसका फुल फॉर्म क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका

यस uh, गाइज yes आज ड्यू टू फीवर आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली पर आपका सेशन कवर करना बहुत जरूरी था तो मैंने सोचा कि सारी एटलीस्ट मेन मेन न्यूज आपके लिए कवर कर लेते मैंने पी आई इसमें कवर नहीं किया था सॉरी फॉर दैट बट कल Uh, उम्मीद करता हूँ कि कल सब कुछ सही हो जाएगा तो कल आपके लिए पीआईबी वाले भी पॉइंट हम कवर कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लेक्चर कल आपके ले लेंगे सो वंस अगेन सॉरी एंड थैंक यू कि आप लोग आए और सेशन को आपने देखा ये एक बार होमवर्क देख लीजिएगा और होमवर्क का आंसर आप लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए इज व रिवैम्प एंड रीनेम्ड वर्जन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन